तो शुरू करते हैं केंद्र ओवरव्यू से। तो हमारा पहला टॉपिक है केंद्र का ओवरव्यू। अब इसमें हम पहले देखेंगे कि स्कोप ऑफ केंद्र, केंद्र का क्या स्कोप है, आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद हम जानेंगे BFSI सर्विसेज, SSCD ई-कॉमर्स सर्विसेज और ATM की सर्विस। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि केंद्र का स्कोप क्या होता है। तो एक नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र का स्कोप कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम कर सकते हैं बैंकिंग, ATM, इंश्योरेंस, ओके, ये तो एक चीज़ हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज और ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रैवल, टेलीमेडिसिन, फार्मेसी, और इसके अलावा हमारा जैसे कि डिजिटल इकोसिस्टम भी है फिजिकल के अलावा। पैन इंडिया हमारा 80% जो है Tier 4, Tier 6 लोकेशन में है, यानी कि वैसी जगह जहाँ पर बैंक और ATM पहुँच नहीं पाते, हमारे केंद्र वहाँ पर है। सो एक ऐसा मार्केट प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी सर्विसेज, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज एक ही दुकान पर, एक ही जगह पर। तो ये है हमारा वक्रांगी केंद्र। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज हर एक कवर होती है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है BFSI, एक है SSCD ई-कॉमर्स सर्विसेज और तीसरा है ATM सर्विस। तो आइए इन तीनों को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये तीनों कैसे काम करते हैं। तो पहला वाला BFSI सर्विसेज, तो ये जो आप अपने केंद्र पे दोगे तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। तो पहले देखते हैं SBM बैंक, ओके, यानी कि BC पॉइंट, बैंक करस्पॉन्डेंस पॉइंट, ओके, बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो पॉइंट होता है उसे हम BC पॉइंट भी कहते हैं। और ये SBM बैंक का भी हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स। तो इसमें सारी सर्विसेज हैं जो एक नॉर्मल बैंक ब्रांच पर अवेलेबल होती है, वो सारी सर्विसेज हमारे फ्रेंचाइजी भाई अपने फ्रेंचाइजी पर दे सकते हैं। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग हो गया, राइट, यहाँ पे आ गया, कैश विड्रॉवल है, डिपॉजिट सर्विसेज है और दूसरी बैंकिंग की जो भी सर्विस है, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र हो गया या कोई FD करना है, RD करना है या नॉर्मल बैलेंस इंक्वायरी ही क्यों ना करना हो या अकाउंट का स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमारे कस्टमर्स हमारे फ्रेंचाइजी पर जाकर बैंकिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आता है वो है अपना ई कॉमर्स, ओके। अभी ई कॉमर्स में अभी हम देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज हैं, ओके, जैसे कि ओपनिंग करते हो आप डीमैट अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की, मनी ट्रांसफ़र, स्पेसिफिकली ये डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र होता है, ओके, लीड जनरेशन फॉर पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, पैन कार्ड सर्विसेज। आप अपने कस्टमर्स का पैन कार्ड कुछ ही देर में VKMS के थ्रू बना सकते हैं, इसको भी हम सीखेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा अभी हम तीसरा जो देखते हैं वो है इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए सारे सर्विसेज में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर, ओके। अभी यहाँ पे देखिए आपके पास होगा लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये तीन तरह के इंश्योरेंस हैं। इसके अलावा माइक्रो इंश्योरेंस भी है जो छोटे अमाउंट के होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो अपनी पॉपुलेशन है इंडिया में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए वो बहुत कारगर और बहुत काम के हैं क्योंकि वो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना सेविंग कर सकते हैं। तो आगे अभी हम देखते हैं दूसरी सर्विस, ये है असिस्टेड ई कॉमर्स सर्विस जो आपके केंद्र पे अवेलेबल होगी। इसमें आ जाता है अमेजोन, ऑगमॉन्ट, जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग, ज्वेलरी या कोई भी गुड्स। अभी देखिए आप ये ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर कोई अमेज़ॉन है वो तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गांव है, बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जिनका एड्रेस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनके यहाँ डिलीवरी नहीं होती, तो वो अपने केंद्र पे, आपके केंद्र पर अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और आपके यहाँ से वो वहाँ से पिक कर सकते हैं।
बट हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कस्टमर के घर पे ही डिलीवर हो। और कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, या तो फिर वो उतने एजुकेटेड नहीं है, या तो फिर वो उतना अच्छे से जानते नहीं है इस डिजिटल एरा में कैसे वो शॉपिंग करें ऑनलाइन, तो वो आते हैं आपके केंद्र पर। आप उनके लिए अकाउंट ओपन करते हो, उनके लिए शॉपिंग करते हो, और वो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, आपको पे करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स उनके घर डिलीवर होता है। उसके बाद आता है वी हेल्थ और नेटमेड। इसमें जो आपके कस्टमर्स हैं वो एक पैकेज परचेज करते हैं जिसके अंदर उनको मिलता है डॉक्टर का कंसल्टेंसी, ऑनलाइन मेडिसिंस, ओके, इसके अलावा उनके कुछ चेक्स होते हैं, हेल्थ के चेक्स होते हैं, वो भी कवर होता है। तो ये बहुत ही बड़ा सा पैकेज होता है जो उनको बहुत ही कम, बहुत ही मामूली दाम पर मिल रहा है और जिसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल इसकी कोई डिटेल्स नहीं दे रहा सबकी, क्योंकि ये हर एक टॉपिक हम आगे डिटेल में जानेंगे। ओके, उसके बाद आता है जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, ई मित्रा सर्विसेज जो राजस्थान में चलती है, बाद में ट्रैवल से रिलेटेड भी है, IRCTC, रेड बस, यात्रा, यहाँ पे आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन, बस, या तो फ्लाइट या होटल की बुकिंग्स भी है। इसके अलावा एड्यू सक्षम, ओके, इसके साथ भी टाइप हुआ है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। और ये जो टाइप है, ओके, तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, आपके केंद्र के ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी भी पाइपलाइन में है, ये कुछ टाइम में एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी एक और है बहुत ही बढ़िया और अच्छी सर्विस जो है वो है बिग हाथ। तो ये जो बिग हाथ है ये एक्चुअली एक सर्विस है फॉर ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर सर्विस में जो भी किसान भाई है, ओके, बहुत सारे गांव गांव में हमारी फ्रेंचाइजी है, तो हमने देखा कि बहुत सारे किसान भाई है वो अपने बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं वो मंगा नहीं पाते, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। तो ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है बिग हाथ, ये अभी कुछ महीने में स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो किसान है वो आपके केंद्र से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी डिलीवरी उनको मिलेगी। तो ये थी हमारी असिस्टेड ई कॉमर्स सर्विसेज जो आप अपने केंद्र पे प्रोवाइड कर सकते हो। अभी हम जानेंगे दूसरी सर्विस या तीसरी सर्विस जो हमारी लास्ट सर्विस है, जो है ATM। अब जो ATM है, आपने अभी तक जो ATM देखे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के ATMs होते थे, राइट? तो ये जो ATM है जिसको हम वाइट कॉलर ATM कहते हैं, ये आप रन करेंगे, वक्रांगी के पास इसका लाइसेंस है। ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला हाई रिटर्न्स वाला बिजनेस मॉडल है। क्या होता है, आप एक ATM सेटअप कर लो एग्जिस्टिंग स्टोर पे, आप देखोगे फुटस्टेप्स बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक राशन की दुकान जिसमें 20 से 25 हज़ार रुपये महीने में मिलते थे, उन्होंने ATM लगा दिया, वो राशन की दुकान से ही 40 हज़ार कमाने लग गए, क्योंकि जितने लोग ATM पे आते हैं उन लोग वहाँ से परचेज भी करके जाते हैं, और जो ATM से वो कमा रहे थे वो तो अलग पैसे हो गए। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग कि ये ATM जो है एक पुल सर्विस है, इसका हाईएस्ट कमीशन स्ट्रक्चर है मार्केट में, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे कोई आपको मेंटेनेंस नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस, ज़ीरो चार्जेस, आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड होगा, ओके। और इसके अलावा जो कैश और ATM है उसका इंश्योरेंस भी वक्रांगी करते हैं, तो अप टू 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस भी यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ATM इंश्योरेंस इंक्लूडेड, राइट? और नो मंथली चार्जेस, कॉम्पिटिटर्स के यहाँ होते हैं ज़ीरो मेंटेनेंस, कोई पार्ट गया तो वो भी रिप्लेस होगा। तो ये सारी चीज़ें कवर होती है हमारे सर्विस में, ठीक है? तो आप पीसफुली, एकदम पीसफुली आप अपना बिजनेस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है?